बहुत सीरियस गल है। कैप्टन साहब ने अपनी बुक जिहड़ा कहा है कि असीं 21 बंदे पेश कीते है ते उन्हां नूं मार दिता गया है। मैं तो डिमांड करदा है कि इमीजिएटली कैप्टन साहब केस रजिस्टर कराउण ते इन्वेस्टिगेशन कराउण किहने मारिया कदों मारिया, क्योंकि आ तां बहुत वड्डी एलीगेशन है। एलीगेशन नहीं कि मुख्यमंत्री आप कह रहा है, इन रिटन कह रहा है। सो इहदी इन्वेस्टिगेशन पूरे पंजाब की जनता सिख कौम जानना चाहती है कि वह मुंडिया का होया की। तो इस करके आ सीरियस है, इन्हों करना इमीजिएटली चपाऊगा। मैं ये कोई अकाल तख्त साहब का हले इशू नहीं है हले तक, क्योंकि वह मुख्यमंत्री आप है। मुख्यमंत्री ने आप किया कि उन्होंने पेश किए तो उन्होंने बाद उन्होंने मारा गया है। एज अ मुख्यमंत्री रिटर्न दे रहे हैं, सो दिस शुड बी कन्वर्टेड इन टू एन एफ आई आर। दूजी बार मुख्यमंत्री बने हुण लिख के की साबित करना? मैं उही कहना ना, क्योंकि उन्होंने ज्यादा नॉलेज है, उन्होंने नॉलेज है, हुण उन्होंने कोल पावर है, वह हुण चीफ मिनिस्टर है। तो इट्स अ सीरियस एक्विजिशन, किसी की जान लेनी बड़ी सीरियस गल है, वह भी 21 नौजवानों की। इस करके मनप्रीत बादल कहते साडी सरकार संगत दर्शन नहीं करूगी। मनप्रीत बादल ने तो कोई दर्शन करने नहीं, ना सरकार तक किसी की दर्शन, जिहड़ी आ सरकार है पंजाब दर्शन भी नहीं कर रही, जनता दर्शन भी कर रही, MLA दर्शन भी नहीं कर रही, इन्हें दर्शन आते ही नहीं। केजरीवाल का लास्ट ही उन्हें कहा कि अकाली दल बीजेपी अकाली दल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े जिदे करके आम आदमी पार्टी भी हार रही है। कौन क्या केजरीवाल? यार केजरीवाल बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो अपने शहर से जमान जब्त की है अकाली दल ने। इलेक्शन के बाद अकाली दल के उम्मीदवार ने उन्होंने जमान जब्त की है। तो जी वी गल है जी सरकार चल रही है, दो महीने हुए सरकार बनी, दो महीने जी स्कैम स्कैंडल शुरू हो गए, जेड़े जेड़ा झूठे प्रचार करके इन्होंने साढ़े ते झूठे इल्जाम लाए सी, ते वादे किते सी। एक वादा किया सी एक महीने च ड्रग्स खत्म कर देंगे, 2 किलो ड्रग्स फड़ी हैं। मैं पूछना चाहना कांग्रेस नूं, जेड़े 70% तुसीं कहे सी पंजाब दे नौजवान नशेड़ी है, वह गए किधर है? महीना 2 महीने टप गए, कहिंदे हुण असीं खत्म करती। 70% कहे ड्रग एडिक्शन सेंटर च है या कितने उन्होंने की होया की रिहैबिलिट किया है उन्होंने किया कि? दूजी गल उन्हें कहा कि अकाली सरकार के अंदर बेअदबियां कराई गई, तो हुण की होया? हुण उन्होंने राज है जिनी बेअदबी, सो मतलब 15-20 केस हो गए है। तो मैं पूछना चाहना उ जोड़े नकली जथेदार बने से जिड़े जो बेअदबी होंगी सी हर जगह पहुँचते सी, हुण वह किधर गए? हुण को चुप हुए है? मैनू लगता वो सारे उन्हां दी इनवॉल्वमेंट करके वो एंटी अकाली स्ट्रैटजी सी उदों दी इन्हां दी। सो इहदी इहदी नहीं नहीं एक मिनट मैं तुहानूं मैं कहना कि वो हुण किसे जगह ते गए है किते उत्थे गए? आ सारा ड्रामा एक मिशन नाल कीता गया, एक स्ट्रैटजी नाल कीता गया कि अकाली दल हुण कहिंदे है कि असीं आ देवांगे नौकरी, हुण सारे मुकर गए, हुण कर्जे ते ही मुकर गए, पेंशन ते ही मुकर गए, नौकरी ते ही मुकर गए। तो आ सरकार है हुण जिहड़े डिवेलपमेंट के काम शुरू किए सारे रुक गए। हुण तुसी अमृतसर शहर देख लो, जिहड़े जिथे इट ला के गए सी उहदे एक इट नहीं लगी। BRTS सिस्टम हले तक शुरू नहीं किया, उन्होंने बंद करता जो चलता सी वह भी बंद कर दिता। सफाई का जिहड़ा सफाई का काम खराब हो गया, इत्थे जिन्ने जिथे पुल खड़ा करके गए सी उत्थे करके गए, झूठ बोलने लगे, हुण खजाना खाली है। खजाना तो पिछले 10 साल तक ही जाते। इस करके आ सरकार नहीं है, आ सरकार मौज मस्ती करने वास्ते बनी है। तो तुसी देखो जिहड़ी सरकार दे कैबिनेट मिनिस्टर मस्टर दरबार साहब 2 महीने बाद मत्था टेकन आउण।